हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो मैं निशान, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो आपके जे एडवांस के स्कोर को बूस्ट करने के लिए जो हमने एक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, डेली कम मेजर टेस्ट सीरीज, उसमें हम आज मेजर वन का डिस्कशन करने वाले हैं। मेजर वन में भी पेपर वन का डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर जो है हमारे पास फुल सिलेबस है, इलेवेंथ और ट्वेल्थ का कंबाइन हमने यहाँ पर सिलेबस को कवर किया है। जिस तरह का जे एडवांस पैटर्न पे हमें पेपर मिलता है, कुछ उसी तरह के हमने यहाँ पर क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। क्लियर है क्या? तो उम्मीद है सबका पेपर अच्छे से गया होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं जरा पेपर का। तो देखें जरा, क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है कि थ्री कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स, सेल बोला है इसने, मतलब ऐसे स्फीयर कंसिडर करने हैं, ऐसे हॉलो स्फीयर कंसिडर करने हैं जिनकी थिकनेस बहुत कम है। क्लियर? हैविंग रेडियस आर, टू आर एंड थ्री आर एंड चार्जेस क्यू थ्री, क्यू टू एंड क्यू वन रेस्पेक्टिवली, इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट सेल्स आर अर्थ, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? समझ जरा क्या कहानी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है हमको कि ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, जिसमें ये रेडियस आर, ये टू आर और ये थ्री आर, इनको जो चार्ज दिए हैं, इसको दिए हैं क्यू थ्री, इसको क्यू टू और इसको Q1, साथ में इस आउटर मोस्ट सेल को और इनर सेल को अर्थ किया गया है। मतलब अगर मैं इनर सरफेस पे पोटेंशियल लूं, चाहे मैं इस आउटर सरफेस पे पोटेंशियल लूं, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्योंकि किसी भी जगह सर्किट, बेसिकली इस तरह की अर्थिंग वाले सिंबल्स हमको जनरली सर्किट थ्योरी में मिलते हैं, जैसे कैपेसिटर का सर्किट दे दिया या हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस वाला सर्किट दे दिया। क्लियर? तो कहीं पर भी इस तरह का सिंबल मिल जाए तो आपको सीधा सा संबंध ये समझना है कि इस पॉइंट की अर्थिंग की गई है, ग्राउंडिंग किया गया है, तो इसका पोटेंशियल अपन को जीरो कंसीडर करना है। सर्किट थ्योरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी एक पोटेंशियल पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं और उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर देते हैं। क्लियर? बिल्कुल कर सकते हो आप बोल, बट ध्यान रखना, अगर किसी भी जगह पर, किसी भी सर्किट में या किसी भी डायग्राम में ये अगर सिंबल दे दिया ना अर्थिंग का, तो हमें केवल इसी का जीरो मानना है, बाकी किसी और पॉइंट का जीरो नहीं मान सकते। क्लियर है क्या? तो भाई यहां पर हमें बोला है कि इनर की और आउटर की अर्थिंग कर दी गई है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों का ही पोटेंशियल जीरो होगा, आप डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो Q1, Q3 और Q3, इन चार्जेज में हमसे क्या पूछा है? रिलेशन पूछा है ऑप्शंस में। क्लियर है क्या? तो इसको करने से पहले जरा हम समझ लेते हैं कि भाई एक हॉलो सेल है जिस पर चार्ज है क्यू, रेडियस है कैपिटल आर, तो इस हॉलो सेल की वजह से जो आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल आता है वो आता है के क्यू बाई आर, where r is the distance from the center of the sphere. Clear है क्या? अगर सरफेस पे पोटेंशियल लिखा जाए तो वो आता है KQ by capital R, और अगर अंदर पोटेंशियल लिखा जाए तो उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। क्लियर है क्या? इस चीज को काम में लेके हम जरा Q1, Q2 और Q3 में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखना जरा। तो सबसे पहले मैं जरा इस B पॉइंट का पोटेंशियल लिख लेता हूं। तो B पोटेंशियल जो है, ये पॉइंट जो है वो ये Q1 वाले चार्ज की जो सरफेस पे हो गया, तो इसके लिए पोटेंशियल लिखा जाएगा के क्यू वन अपॉन रेडियस थ्री आर। क्लियर? क्यू टू और क्यू थ्री के लिए आउटर पॉइंट हो गया, तो इनकी वजह से पोटेंशियल लिखा जाएगा के क्यू टू बाई थ्री आर प्लस क्यू थ्री की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू थ्री बाई थ्री आर, और ये पोटेंशियल जो है टोटल होगा जीरो, क्योंकि अर्थिंग की हुई है इसकी। तो हम बोल सकते हैं यहां से रिलेशन आ गया हमारे पास चार्जेज में, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री की जो वैल्यू है वो जीरो रही होगी, इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली हम पॉइंट ए का पोटेंशियल भी जीरो के इक्वल करने वाले हैं। तो देखो, ये जो पॉइंट है Q3 के लिए तो सरफेस पे हो गया, तो इसका पोटेंशियल Q3 की वजह से लिखा जाएगा K Q3 by R, लेकिन Q2 और Q1 के लिए इनर पॉइंट हो गया, तो इसका पोटेंशियल आउटर सेल्स की वजह से उतना ही होगा जितना आउटर सेल की सरफेस पे है। तो Q2 की वजह से यहां का पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं? K Q2 अपॉन इसका रेडियस 2R। Q1 की वजह से क्या लिख सकते हैं? के क्यू वन अपन इसका रेडियस 3R, और ये सम होगा इक्वल टू जीरो के। तो एक इक्वेशन यहां से आ गई हमारे पास, क्यू थ्री प्लस क्यू टू बाई टू प्लस क्यू वन बाई थ्री इक्वल टू जीरो। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो चार्जेज का रेशियो पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, क्योंकि हमारे पास थ्री वेरिएबल्स और इक्वेशन केवल टू ही है। क्लियर है क्या? तो सीधी सी बात है, हम एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट रेशियो पूछा है तो रेशियो में से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, Q2 और Q3 की वैल्यू Q1 की फॉर्म में निकाल लेता हूं। तो देखना जरा यहां से, तो इक्वेशन वन में से
इक्वेशन वन में से मैं क्या करता हूँ, टू को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो क्यू वन से क्यू वन बाई थ्री जाएगा तो ये बन जाएगा टू क्यू वन बाई थ्री, क्यू टू से क्यू टू बाई टू जाएगा तो ये बन जाएगा क्यू टू बाई टू, क्यू थ्री से क्यू थ्री गया तो जीरो, तो यहाँ से देखो तो क्यू टू की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस फोर क्यू वन बाई थ्री। ये तो मैंने क्यू टू की वैल्यू निकाल ली क्यू वन की टर्म्स में, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्यू थ्री की वैल्यू भी आ जाएगी क्यू वन की टर्म्स में, तो ये क्या आ जाएगी देखो क्यू वन, क्यू टू की जगह रख सकते हैं माइनस फोर बाई थ्री, क्यू वन प्लस क्यू थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये बन गया माइनस का क्यू वन बाई थ्री प्लस क्यू थ्री इक्वल टू जीरो, तो क्यू थ्री की वैल्यू आ गई क्यू वन बाई थ्री। क्लियर है क्या? अब इन रिलेशन को काम में लेके हम इजीली ऑप्शन देख सकते हैं, तो देखें जरा ऑप्शन। देखें जरा भाई, तो डाटा क्या आया था हमारे पास, रिलेशन आया था Q3 की तो वैल्यू आई थी Q1 by 3 और Q2 की वैल्यू आई थी माइनस फोर बाई थ्री क्यू वन। अब ऑप्शन देखना, ऑप्शन वन में Q1 और Q2 में रिलेशन पूछा है तो इसी से डायरेक्ट आ जाएगा रिलेशन, तो Q1 by Q2 की वैल्यू यहां से तुम साफ साफ बोल सकते हो कि सर Q1 by Q2 की वैल्यू जो है यहां से ये आ गई माइनस का थ्री बाई फोर, बट ऑप्शन में केवल थ्री बाई फोर दे रखा है इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है क्या? सेकंड ऑप्शन जो है वो Q3 और Q1 में रिलेशन पूछा है तो यहां से तुम साफ साफ निकाल सकते हो कि Q3 by Q1 की जो वैल्यू है ये आ गई हमारे पास 1 by 3, बट ऑप्शन में माइनस 3 दे रखा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं बाकी दोनों रिलेशन Q3 और Q2 में है, तो Q3 और Q2 में रिलेशन निकालने के लिए मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो देखो Q3 अपॉन Q2, तो इसको और इसको डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा Q1 by 3 और नीचे है माइनस फोर क्यू वन बाई थ्री, तो ये रिलेशन आ गया माइनस वन बाई फोर, तो क्यू थ्री बाई क्यू टू का रेशो माइनस वन बाई फोर बिल्कुल करेक्ट है, तो इस हिसाब से ये रॉन्ग हो गया, तो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री। क्लियर है क्या? उम्मीद है सबका क्लियर हो गया होगा, सबका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें जरा। बोला है टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू आर अटैच एट द एंड्स ऑफ एन insulating uniform rod of mass 2m and length b. The rod is rotated a constant angular speed omega about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its length. Then the ratio of magnetic moment of the system in to its angular momentum. समझना जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि देखो ये एक रॉड है हमारे पास जिसका मास है 2m और इसकी लेंथ है b, इसके एंड्स पर हमने क्या किया q चार्ज और m मास के क्या ले लिए, दो पार्टिकल अटैच कर दिए। अब इसको सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमाया जा रहा है, तो इसके लिए हमसे पूछा है एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो। तो यह तुम्हारा मन करेगा कि भाई एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम पढ़ के रखते हैं कि m by l की वैल्यू आती है हमारे पास q by 2m, तो यहां टोटल चार्ज हो गया 2q, टोटल मास हो गया 4m, तो इस हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए q by 2m, बट अगर आप ये कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। क्लियर है क्या? क्यों गलत कर रहे हो? क्योंकि भाई ठीक है ये रिजल्ट आता है बिल्कुल, और कई जगह हमारे क्वेश्चंस को बहुत इजी भी बनाता है, अपन याद भी रखते हैं, बट ये रिजल्ट तब हम यूज में लेते हैं जब पूरी की पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है केवल इन पॉइंट्स पर है, तो ये रिलेशन तुम डायरेक्टली काम में नहीं ले सकते। तो क्या करें सर? तो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो फॉलो करो और फिर रेशो निकालो। तो देखना निकालते रेशो, तो पहले तो इसके लिए मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल लेता हूं। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकता हूं, आई ओमेगा। क्लियर? आई की वैल्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस इस पार्टिकल का, अगर देखो तो एक पार्टिकल का हो जाएगा m, यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगी b बाई 2, तो m b बाई 2 का होल स्क्वायर, इस पार्टिकल का भी सेम हो जाएगा, तो ये तो आ गया एंगुलर मोमेंटम इनटू ओमेगा, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम आ गया। क्लियर है क्या? तो ये वैल्यू कितनी आ गई, एम बी स्क्वायर बाई 6 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 बाई 12 मतलब 2 बाई 3 एम बी स्क्वायर ओमेगा।
ये तो आ गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने के लिए क्या करें, तो ध्यान से देखो, ये जो है हमारे पास चार्जेस जो है Q और Q, ये एक तरह से B by 2 रेडियस में घूम रही है, राइट। इसको जरा मैं टॉप भी बना देता हूं, तो कहानी ये हो रही है कि ये रेडियस B by 2, यहां पर चार्ज Q, m मास, यहां चार्ज Q, m मास, और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से घूम रहे हैं। अब अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड जो है वो आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, क्लियर। अब अपन साफ साफ बोल सकते हैं कि सर इस टी टाइम पीरियड में एक पॉइंट से 2Q चार्ज जो है वो गुजर चुका होगा, तो एवरेज करंट इसके लिए अगर निकाला जाए तो वो अपन बोल सकते हैं टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। तो यहां से एवरेज करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2Q/2π/ओमेगा, तो आई एवरेज की वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू ओमेगा अपॉन पाई, क्लियर। तो इस सिस्टम को हम एक लूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई एक लूप है जिसकी रेडियस है b/2 और उसमें आई एवरेज करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर है क्या। तो इस आई एवरेज करंट वाले लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हम इजीली लिख सकते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या लिख सकते हो, आई एवरेज इनटू एरिया, क्लियर। आई एवरेज की वैल्यू क्यू ओमेगा अपॉन पाई, एरिया सर्कल बन गया ये तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई रेडियस है बी बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू ओमेगा बी स्क्वायर बाई फोर, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। हमसे जो पूछा है वो पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो, तो देखो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंटम तो आ गया क्यू ओमेगा बी स्क्वायर बाई फोर, और एंगुलर मोमेंटम आया हमारे पास 2/3 एम बी स्क्वायर ओमेगा। तो देखो बी स्क्वायर ओमेगा से तो बी स्क्वायर ओमेगा गया, ये क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास 3Q/8m, तो इसका जो रेशो है हमारे पास ये आएगा 3Q/8m, क्लियर है क्या। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, देखें जरा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन 3Q/8m, क्लियर। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बोला अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल सरफेस एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस इज नियरेस्ट टू, समझना जरा क्या कहानी है, कि ये हमें एक हेमिस्फीयर दे रखा है जिसका ये सर्कुलर वाला पोर्शन हो जाएगा। मैं मानता हूं इसकी रेडियस है r, तो ये भी r, यहां कहीं इस जगह पर रखा हुआ है पॉइंट चार्ज Q। अब देखो ये जो पॉइंट चार्ज है हम सिमेट्री से बोल सकते हैं आधा अंदर है आधा बाहर है, तो इस पूरे के पूरे सरफेस से जो जाने वाला कुल फ्लक्स लिखा जा सकता है फाइ टोटल लिखा जा सकता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इससे जो पास होने वाला फ्लक्स है इसका कुछ पार्ट तो इस कर्व्ड सरफेस से जाएगा और कुछ पार्ट इस सर्कुलर पोर्शन से जाएगा, तो मैं कह सकता हूं फाइ टोटल की वैल्यू है फाइ कर्व्ड प्लस फाइ सर्कल इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब हमसे ये फाइ कर्व्ड पूछा है, सर्कल का हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फाइ सर्कल आ जाएगा तो फाइ कर्व्ड की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, तो देखना फाइ सर्कल कैसे निकालेंगे। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं कि देखो एक चार्ज है क्यू, इससे चारों तरफ अगर स्फीयर माना जाए बोल दो 4π सॉलिड एंगल की बात की जाए, तो 4π सॉलिड एंगल से जो फ्लक्स निकलेगा वो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस क्यू चार्ज की वजह से। तो 4π सॉलिड एंगल से जाने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हम कह सकते हैं यूनिट सॉलिड एंगल से जाने वाला जो फ्लक्स है वो हो जाएगा क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, तो ओम सॉलिड एंगल से जाने वाला जो फ्लक्स है वो हो जाएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ओम, क्लियर। अब तुम यहां देखो जरा, तो बेसिकली ओम सॉलिड एंगल अगर हमें पता लग जाए तो ओम सॉलिड एंगल से जाने वाला फ्लक्स इतना होता है। अब इसी रिजल्ट को मैं काम में लेने वाला हूं, यहां पर देखना। तो सर्कुलर वाले पार्ट की बात करते हैं, इस सर्कुलर वाले पार्ट यहां ये चार्ज रखा है क्यू, इसकी वजह से जो फ्लक्स पास होगा ना वो निकालना है मुझे। तो देखो ये जो हमारे पास सर्कल है ये यहां से ये रेडियस आर, ये डिस्टेंस भी आर, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री, क्लियर। तो इसके लिए हम सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं, सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है 2π/1 cos θ, या थीटा होता है ये वाला सेमी प्लेन एंगल, क्लियर है। कहीं तो प्लेन एंगल हो गया, ये सॉलिड एंगल हो गया ओम, तो सॉलिड एंगल प्लेन एंगल में ये रिलेशन है, तो सॉलिड एंगल की वैल्यू आ गई 2π/1 cos θ 45, तो 1/√2। तो यहां से सर्कल से जाने वाला फ्लक्स निकल गया हमारे पास
कितना आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, ओम की वैल्यू रख दो तो 2 पाई 1 माइनस 1 बाई रूट 2, तो ये वैल्यू आ गई q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2। ये फ्लक्स आया हमारे पास सर्कल से पास होने वाला, हमसे पूछा है कर्व्ड सरफेस का, तो हम बोल सकते हैं phi कर्व्ड प्लस phi सर्कल, ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास q by 2 epsilon naught, तो इजीली यहां से सबट्रैक्ट करके phi कर्व्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो phi कर्व्ड क्या आ जाएगा, phi कर्व्ड की वैल्यू आ जाएगी q by 2 epsilon naught माइनस q by 2 epsilon naught 1 माइनस 1 by root 2, तो q by 2 से q by 2 गया, phi से की वैल्यू आ गई q by 2 root 2 epsilon naught। इतना फ्लक्स जो है वो उस हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस से क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा। क्लियर है क्या? तो ऑप्शन चेक करते हैं जरा, ऑप्शन देखें जरा, तो ऐसा ऑप्शन हमें फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रोटेशन का है, एक बार जरा इसमें थोड़ा सा डाटा मिसिंग है, वी नॉट ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आर के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज मूविंग ऑन अ रफ फिक्स्ड सरफेस, कि सरफेस जो है वो रफ है और फिक्स्ड है। क्लियर? हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एज शोन इन द फिगर, इट विल अटेन स्टेट ऑफ प्योर रोलिंग आफ्टर अ टाइम। अब देखो इस टाइम पे v नॉट की वैल्यू जो ओमेगा नॉट r से ज्यादा है, मतलब इस पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से हो गई v नॉट, और इस रोटेटरी मोशन की वजह से पीछे आ जाएगी ओमेगा नॉट r। अब v नॉट ओमेगा नॉट r से ज्यादा है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आगे की तरफ आएगी v नॉट माइनस ओमेगा नॉट r। तो कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी कि भाई इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी आगे की तरफ आ गई, मतलब ग्राउंड के साथ इसकी स्लिपिंग हो रही है अभी। क्लियर है क्या? तो स्लिपिंग को रोकने के लिए इस पॉइंट पर फ्रिक्शन जो है वो पीछे काम करने लग जाएगा, वो भी काइनेटिक वाला, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है भाई, स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम बोल सकते हैं म्यू के इंटू एन, तो या एन की वैल्यू एम जी हो जाएगी, तो म्यू के एम जी। ये काइनेटिक फ्रिक्शन ट्रांसलेटरी मोशन के लिए अगर देखो तो उसमें तो वेलोसिटी है आगे, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो रिटार्डेशन देगा ए। क्लियर? रिटार्डेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन मास बेसिकली म्यू जी हो जाएगा रिटार्डेशन। साथ में रोटेशन के लिए देखें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क देगा, एंगुलर वेलोसिटी भी क्लॉकवाइज में है, टॉर्क भी इसका क्लॉकवाइज में है, तो मैं कह सकता हूं ये सपोर्ट करेगा एंगुलर वेलोसिटी को, तो एंगुलर एक्सेलरेशन देगा ये अल्फा। क्लियर है क्या? तो रिटार्डेशन तो आ गया है, एंगुलर एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा फ्रिक्शन का सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क हो गया एफ आर इक्वल टू लिख सकते हैं आई अल्फा, एफ की वैल्यू म्यू एम जी, आई की वैल्यू सॉलिड स्फीयर है तो 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर अल्फा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये इसको दोनों कैपिटल है में, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 म्यू जी बाई 2 आर, तो इतना एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसको दिया जा रहा होगा। क्लियर? अब होगा क्या, समझना जरा, अब क्या होगा, टीवी में रेज कर देता हूं जरा, होगा क्या, तो देखो v नॉट ज्यादा है, v नॉट को रिटार्डेशन जो है वो क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा, और अल्फा जो है ये ओमेगा नॉट को इंक्रीज कराएगा, तो फाइनली v नॉट तो डिक्रीज होते हुए जाएगा और ओमेगा आर वाली टर्म जो है ना वो पीछे की तरफ जो आ रही थी वो इंक्रीज होती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लीनियर वेलोसिटी और पीछे की तरफ ओमेगा आर वाली वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो फाइनली लीनियर वेलोसिटी v है, इधर है ये ओमेगा, तो ये ओमेगा आर और ये v जो है वो सेम हो जाएगा और हम बोल देंगे कि स्फीयर जो है वो प्योर रोलिंग की कंडीशन में आ गया। क्लियर? इस इंस्टेंट पर इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर देखी जाए तो क्या हो गई, जीरो। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो गई, ग्राउंड भी रेस्ट में है, तो दोनों के बीच स्लिपिंग रुक गई, स्लिपिंग हो ही नहीं रही तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, तो यहां पर फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। अब फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा तो ना तो v चेंज होगा अब, ना ओमेगा चेंज होगा, और ये बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली प्योर रोलिंग करते हुए आगे बढ़ेगी। तो यही क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि बताओ कितने टाइम तक जो है ये फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जैसे उसने यहां पूछा है कितने टाइम में प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई है, तो सेम यहीं पर ये भी पूछ सकता था कितने टाइम तक फ्रिक्शन एक्ट करेगा।
क्योंकि फ्रिक्शन बेसिकली प्योर रोलिंग कराना चाहता है। जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट, फ्रिक्शन लगना यहां बंद हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो हमें वो टाइम निकालना है। तो देखो, तो जितने टाइम तक फ्रिक्शन लगाए उतने टाइम में क्या हुआ है, वेलोसिटी जो है वो बी नॉट से वी हो गई। क्लियर? और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा नॉट से ओमेगा हो गई, और ये रिलेशन फॉलो करेगा। क्लियर? तो टाइम निकल जाएगा, इसलिए वी की वैल्यू हम लिख सकते हैं वी नॉट माइनस एटी, क्योंकि रिटार्डेशन मिला है, बी बराबर यू प्लस एटी लगाया है मैंने, तो वी नॉट माइनस एटी। ओमेगा की वेलोसिटी लिख सकते हैं ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टी, ये आ गया ओमेगा की वैल्यू। सॉल्व कर लो इजीली, टाइम आ जाएगा यहां से, तो ये आ गया वी नॉट माइनस म्यू जी टी इक्वल टू ओमेगा नॉट आर प्लस फाइव बाई टू म्यू जी टी। तो यहां से सॉल्व करते हैं, तो टाइम की वैल्यू देखो क्या आ गई, टाइम की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास सेवन बाई टू म्यू जी टी। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रही है हमें, वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट बाई आर इंटू टू बाई सेवन म्यू जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखें जरा क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है हमारे पास वो है वेव थ्योरी का। क्लियर? डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन है, तो देखते हैं जरा। बोला अ पर्सन इज राइडिंग अ मोटरसाइकिल एट अ स्पीड वी टुवर्ड्स अ स्टेशनरी कार ऑपरेटिंग इट्स सायरन एट 165 हर्ट्ज। कि एक पर्सन है वो अपनी बाइक पे जा रहा है वी रफ्तार से, और एक स्टेशनरी कार की तरफ जा रहा है। क्लियर? स्टेशनरी कार की तरफ, ये रुकी हुई है कार, और ये हॉर्न बजा रही है, एक साइरन बजा रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 165 हर्ट्ज। क्लियर? ठीक है भाई। इस पर्सन के पीछे एक पुलिस की कार है जो इसको फॉलो कर रही है, आगे की तरफ आ रही है 22 मीटर पर सेकंड से, और इसके हॉर्न का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें दे रखा है 176 हर्ट्ज। अब होगा क्या? तो होगा ये कि भाई इस पर्सन के पास एक तो स्टेशनरी कार से हॉर्न की साउंड पहुंचेगी, और एक पुलिस जीप की, पुलिस की जो कार है उसका भी हॉर्न की साउंड पहुंचेगी। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो जब ये इन दोनों की बात करूं तो यहां ये ऑब्जर्वर, ये सोर्स हो गया, इन दोनों में ये जीप ऑब्जर्वर हो गई और ये सोर्स, सॉरी ये सोर्स हो गया और ये मैन जो है वो ऑब्जर्वर हो गया। आपस में रिलेटिव मोशन की वजह से आएगा डॉपलर इफेक्ट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 165 की बजाय कुछ और सुनाई देगी अपेरेंट, इसकी भी 176 की बजाय कुछ और सुनाई देगी अपेरेंट। तो इसको दोनों से आने वाली दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देने वाली है। क्लियर है क्या? इससे आएगी मान लो F1, इससे आएगी मान लो F2। क्लियर है क्या? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी F1 F2। अगर F1 F2 वो सेम हुई तो उनका डिफरेंस जीरो, इसको कोई भी बीट नहीं सुनाई देगी। अगर उनमें हल्का सा भी डिफरेंस हुआ तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से इसको बीट सुनाई देगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर इस पर्सन को कोई भी बीट सुनाई नहीं देती है तो बताइए इसकी रफ्तार जो है वो वी है वो कितनी होगी। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको बीट नहीं सुनाई दे रहा, मतलब इधर से आने वाली जो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट F1 और इधर से आने वाली जो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट, या इसको मैं F2 नाम दे देता हूं, इसकी वाली F2 इसकी वाली F1 जो है वो सेम रही होंगी, तभी उसे बीट नहीं सुनाई दे रहा। अब बस वैल्यू लिखनी है, तो रखते हैं जरा वैल्यू F1 की। वैल्यू देखो, इसकी वजह से वैल्यू लिखते तो क्या हो जाएगी, 176 साउंड की स्पीड अपॉन साउंड की स्पीड, अभी ऑब्जर्वर सोर्स की बात करते हैं, इसकी वजह से 165 साउंड की स्पीड अपॉन साउंड की स्पीड। अब देखना, तो जब भी ये सोर्स और ऑब्जर्वर पास आते हैं तो एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जब ये दूर जाते हैं तो घटाने की कोशिश करते हैं, तो उसी हिसाब से फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो, ये जो है ये तो हो गया सोर्स, ये पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो नीचे आ गया -22, ये दूर जा रहा है तो घटाएगा तो ऊपर आएगा -V। अब इन दोनों में देखते हैं, ये तो रेस्ट पे सोर्स, तो सोर्स का तो मुद्दा खत्म, ऑब्जर्वर पास में जा रहा है बी से तो बढ़ाएगा प्लस का बी। अब इजीली हम यहां से सॉल्व करके वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो करते हैं जरा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 176 इंटू 330 -V अपॉन 308 इक्वल टू 165 इंटू 330V प्लस V अपॉन 330। तो इससे ये गया 2 टाइम्स, 2 से ये जाएगा हमारे पास 15
फोर टाइम्स, और सब्ट्रैक्ट करते हैं टू से जाएगा हमारे पास सेवन, सेवन टाइम्स टू से ये जाएगा हमारे पास 88 टाइम्स, तो 11 से ये 8 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, तो रिलेशन क्या मिल गया, देखना रिलेशन क्या मिल गया, ये आ गया 8 330 माइनस बी इंटू 7 330 प्लस बी, अभी बी आ जाएगा यहां से, तो 8 330 इधर 7 330 इधर लेके आ जाओ तो ये बन जाएगा 330, इधर माइनस का 8 भी उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 15 बी, तो बी की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 22 मीटर पर सेकेंड। तो जो वो पर्सन है तो उसकी बाइक की रफ्तार, मोटरसाइकिल की रफ्तार कितनी रही होगी, 22 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या, ये हमारा जो है सेक्शन ए पेपर का, ठीक है, पेपर वन का सेक्शन ए सिंगल चॉइस वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, जहां पर हमारे पास है मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस। देखें जरा क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन क्या है हमारे पास, बोला द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन डीवी बाई डीटी इक्वल टू 6 - 3v, वेयर v इज द स्पीड, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे है, और उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे कमेंट करवाइए। तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो है ना हमारे पास डीवी बाई डीटी एक तरह से माइनस बी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक ड्रैग फोर्स जैसा इफेक्ट आ रहा है, और इस तरह का ड्रैग फोर्स आपने दो जगह देखा होगा, एक तो जैसे मान लो एयर का फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन जब कंसिडर करवाया जाता है तब, दूसरा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी देखा होगा स्टॉक्स लॉ, बेसिकली वहां एयर फ्रिक्शन ही था वो स्टॉक्स लॉ वाला, एयर की वजह से विस्कस फोर्स। क्लियर, तो उसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं उसके बाद क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है एम मास की, इसको यहां से मैंने रिलीज कर दिया, अभी रफ्तार जीरो, तो एम जी लग रहा होगा इस पे नीचे की तरफ, अब एम जी नीचे तो एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ आ गया, एक्सेलरेशन आते इसको वेलोसिटी मिलने लगेगी तो नीचे की तरफ वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से एयर का फ्रिक्शन इस पे ऊपर की तरफ आने लग जाएगा, जो कि प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, बेसिकली 6πr ηv होता है वो स्टॉक्स लॉ से। अब देखो हुआ क्या, शुरुआत में ये फ्रिक्शन जीरो है, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नेट फोर्स नीचे की तरफ है। अब अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे जैसे नीचे जाएगा बी रफ्तार से, तो भाई ए की वजह से बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो नेट एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ है वो घटेगा, तो नीचे की तरफ आने वाला एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा, नीचे की तरफ नेट फोर्स एम जी माइनस के बी अपॉन मास, तो ए की वैल्यू आ गई जी माइनस के वी बाई एम। बिल्कुल ऐसा रिलेशन वहां था, डीवी बाई डीटी क्या दे रखा था तुम्हें, वो दे रखा था 6 - 3v, ऐसा रिलेशन था बिल्कुल। अब समय ना जरा क्या हुआ कि शुरुआत में v जीरो है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, अब जैसे जैसे v बढ़ेगा ऊपर फ्रिक्शन बढ़ेगा, ऊपर फ्रिक्शन बढ़ेगा तो नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है वो घटेगा, नेट फोर्स घटेगा मतलब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू घटेगी। क्लियर, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू है तो नीचे ही। क्लियर, एक्सेलरेशन नीचे है, मान लिया एक्सेलरेशन की वैल्यू घट रही है, बट है तो वो नीचे ही, नीचे लगने की वजह से वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। तो इन द एंड क्या होगा समझना, कि भाई जैसे जैसे नीचे जाता गया तो ऊपर वाला जो अपोजिंग फोर्स है ना फ्रिक्शन का, ये बढ़ता गया, इसके बढ़ने की वजह से नीचे की तरफ लगने वाला नेट एक्सीलरेशन घटा, एक्सीलरेशन घटता गया बट एक्सीलरेशन है तो नीचे ही, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा तब ऊपर वाला फ्रिक्शन जो है वो एम जी को बैलेंस कर देगा। क्लियर है क्या, अब और वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। क्लियर है क्या, तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। क्लियर, वेलोसिटी बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फ्रिक्शन एम जी को बैलेंस कर देगा और वेलोसिटी जो है इस टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब एक्सीलरेशन हो जाएगा जीरो, ये भी फ्रिक्शन ने एम जी को बैलेंस कर दिया, अब एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो तो अब एक्सीलरेशन नहीं है वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए, तो वेलोसिटी बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगी और उसके बाद उसी मैक्सिमम वेलोसिटी से आगे मूव करेगी, इसी वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर है क्या, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट। तो तुम ध्यान से देखो तो बेसिकली ये जो यहां पर मैं वी का फंक्शन लिखूं स्पीड का, चाहे वेलोसिटी का फंक्शन लिखूं, एक ही बात है। क्लियर, अब समझने जरा क्वेश्चन, देखें जरा, तो हमें स्पीड का फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है डीवी बाई डीटी इक्वल टू 6 - 3v। तो जरा इससे मैं पहले सॉल्व करके स्पीड का एग्जैक्ट फंक्शन निकालता हूं टाइम के
रेस्पेक्ट में। तो dv by dt हमें दे रखा है 6 माइनस 3v, तो यहाँ से dv की वैल्यू आ गई 6 माइनस 3v इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन करते हैं, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल रेस्ट पे बताया है, t इक्वल टू डी पे मैं मान लेता हूँ स्पीड v है, तो इंटीग्रेशन करो तो ln 6 माइनस 3v, लिमिट पुट करेंगे इसके जीरो से t, बाहर आ गया माइनस का 3 इक्वल टू t। क्लियर, लिमिट पुट करते हैं तो ln 6 माइनस 3v बाय 6 इक्वल टू आ गया माइनस का 3t। क्लियर, तो ये आ गया ln 1 माइनस v बाय 2 इक्वल टू माइनस 3t। जस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ बस, तो 1 माइनस v बाय 2 एंटी लॉग ले लो e की पावर माइनस 3t, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 1 माइनस e की पावर माइनस 3t। तो जैसा कि मैंने बोला भी था कि देखो वेलोसिटी बढ़ेगी और अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगी, तो देखो t की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वाली टर्म हो जाएगी जीरो और पार्टिकल अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर लेगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास 2 e की पावर 1 माइनस 3t। अब देखना जरा, तो v का फंक्शन आया है 2 1 माइनस e की पावर माइनस 3t, तो यहां से इसको डिफ्रेंशिएशन करके एक्सेलरेशन का भी फंक्शन में निकाल लेता हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 e की पावर माइनस 3t। अब देखो जरा, पहला ऑप्शन बोल रहा है टर्मिनल स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, सही बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन, तो जब t इक्वल टू यहां 0 रखोगे तो a की वैल्यू 6 है, बिल्कुल ये भी सही बात है। आगे बोला है द स्पीड वेरीज विद टाइम एज दिस फंक्शन, बिल्कुल ये भी करेक्ट हो गया। फोर्थ बोला है द स्पीड इज 1 मीटर पर सेकंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, कि एक्सेलरेशन जो है वो इनिशियल वैल्यू का हाफ है, मतलब ये 3 है तो वेलोसिटी पूछी है, तो देखो e की पावर माइनस 3t की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, ये वैल्यू यहां पुट करो तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 1 माइनस हाफ, ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू का जो आंसर है वो हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन हमारे पास कोलिजन पे बेस्ड है। बोला है इन द फिगर शोन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन ए एंड बी इज हाफ। क्लियर है क्या? ए और बी सेम मास के स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, ए को बी रफ्तार दी है और ई की वैल्यू हाफ बोली है। तो बोला है इसके बाद में इनकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है, इंपल्स बताना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताना है। ठीक है भाई, देखें जरा कि ये हमारे पास पार्टिकल एम मास का ए, ये हमारे पास बी एम मास का। क्लियर, इनिशियली जा रहा है v से, e की वैल्यू दे रखी है इनके लिए कोलिजन की हाफ। अब होगा क्या, थोड़ी देर में आपस में हिट करेंगे तो इस पहले वाली वॉल पे पीछे की तरफ लगेगा नॉर्मल इंपल्सिव नॉर्मल, इस पे लगेगा आगे की तरफ इंपल्सिव नॉर्मल। कोलिजन के बाद में ये आगे जाने लगेगा v1 से और ये आगे जाने लगेगा v2 से, mm। अब देखो फ्रिक्शन तो है नहीं सरफेस पे, जो भी लग रहा है सिस्टम पे केवल नॉर्मल नॉर्मल आ रहा है, पूरे सिस्टम को अगर मैं देखूं तो नॉर्मल इंटरनल फोर्स हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम है एम बी, फाइनल मोमेंटम हो गया एम बी वन प्लस एम बी टू, तो हम बोल सकते हैं बी वन प्लस बी टू की वैल्यू आ गई हमारे पास वी। एक इक्वेशन तो बी वन बी टू में यहां से मिले। दूसरा कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाओ, तो ई की वैल्यू होती है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें हाफ, तो यहां से v2 माइनस v1 की वैल्यू आ गई by 2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करके इजीली हम v1 v2 फाइंड कर सकते हैं, तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो v2 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3v/4, तो v1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये यहां पुट करोगे 3v/4, इधर आएगा v, v माइनस 3v/4, ये आ जाएगा v/4। क्लियर, तो ये कहानी है हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं फाइनली इसकी रफ्तार जो है वो हो गई है v/4 और इसकी रफ्तार हो गई 3v/4, ये तो फाइनल वेलोसिटी आ गई ए और बी की। ठीक है, ठीक है, अब इनके बीच में इंपल्स निकालना है, तो किसी पे भी निकालो इंपल्स सेम ही आ जाएगा, इसके लिए भी एनडीटी, इसके लिए भी इंटीग्रेशन एनडीटी, तो मैं बी के लिए निकाल देता हूं, तो इंपल्स इंटीग्रेशन एनडीटी, बी पर क्या लिखेंगे एम इंटू बी की फाइनल वेलोसिटी माइनस बी की इनिशियल वेलोसिटी, तो एम बी की फाइनल वेलोसिटी है 3v/4, तो इंपल्स आ गया भाई 3/4 mv।
तो दोनों के बीच जो इंपल्स लग रहा होगा वो 3/4 m भी लग रहा होगा। साथ में काइनेटिक एनर्जी में लॉस पे भी कमेंट करवाया है, तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज डेल्टा के ई क्या लिख सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो पहले वाले की कितनी हो जाएगी, 1/2 m v² दूसरे वाले क्या हो जाएगी, 1/2 m v² माइनस इनिशियल 1/2 m v² क्लियर है क्या, रखते हैं वैल्यू तो 1/2 m आ गया कॉमन, ये बन गया v² / 16, ये हो जाएगा 9v² / 16 माइनस v² तो ये आ गया हमारे पास 10/16 मतलब 5/8 v² माइनस v² तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3/16 m v² और माइनस में आया मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हुई है। तो रिजल्ट क्या निकला, पार्टिकल ए की वेलोसिटी v/4, बी की 3/4, इंपल्स 3 m v/4 और काइनेटिक एनर्जी में लॉस 3/16 m v². ऑप्शन चेक करते हैं जरा, देखो बोला वेलोसिटी ऑफ वी, वेलोसिटी ऑफ वी आफ्टर कोलिजन v/2, नो ये वेलोसिटी इतनी आई थी v/4 और ये आई थी 3 v/4, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बोला है इंपल्स 3 m v/4, बिल्कुल सही बात है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 3/16 आया है तो ये भी सही हो गया। ये बोला लॉस जो 1/4 है ये रॉन्ग हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास सेकंड MCQ का 2 and 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन रोटेशन मोशन से लिया गया है। क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल सिलेंडर्स वन रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड 100 π/rad/s is what in contact with other cylinder at rest. Surface of both cylinders are rough. दोनों की surface जो वो rough बोली गई है. Clear है क्या? Friction लग सकता है. If both acquire common acceleration 2 π/rad/s². rad/s² मतलब angular acceleration दे रखा है दोनों का. Common 2 pi. तो बोला है कौन सा option वो correct है. समझना जरा क्या कहानी हो रही है. देखना कहानी क्या है, ये एक सिलेंडर, इसको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है हमने इनिशियली 100 π/rad/s². अब इसको हम टच में लेके आए एक दूसरे सिलेंडर के, अब दोनों के सरफेस रफ हैं, तो होगा क्या, इस पॉइंट को अगर मैं देखूं पहले सिलेंडर का ये पॉइंट आगे मूव कर रहा है ओमेगा आर से, बट इसकी वेलोसिटी है ही नहीं दूसरे सिलेंडर की, तो दोनों के बीच स्लिपिंग हो गई और दोनों की सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा भाई। क्लियर है क्या, तो स्लिपिंग को अपोज करने के लिए इस वाले बॉडी पर लेफ्ट वाले सिलेंडर पे तो लगेगा ऊपर की तरफ फ्रिक्शन काइनेटिक वाला, क्लियर, और राइट वाले पे लग जाएगा नीचे की तरफ फ्रिक्शन। तो कहानी क्या होगी, देखना अलग अलग बनाता हूं मैं, इस पे लगेगा ऊपर फ्रिक्शन, इस पे लगेगा नीचे फ्रिक्शन, इनिशियली था इसका इधर ओमेगा नॉट, तो ये जो फ्रिक्शन है ध्यान से अगर देखो तो इसको अपोज करने के लिए क्या अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क देगा मतलब रिटार्डेशन देगा अल्फा, बट ये जो फ्रिक्शन है इसकी वेलोसिटी तो जीरो, इसको इधर घुमाएगा कितने से अल्फा एक्सीलरेशन से, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन कर रखी है 2 π/rad/s². क्लियर, तो फाइनली होगा क्या, इसका तो ओमेगा घटेगा क्लॉकवाइज सेंस में घटेगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बढ़ेगा, तो फाइनली दोनों के ओमेगा क्या हो जाएंगे सेम, जैसे ओमेगा सेम होंगे तो इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी जो है ओमेगा आर सेम हो जाएंगी, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, स्लिपिंग खत्म, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट खत्म। तो फाइनली जैसे ये टच किया जाएगा तो कुछ टी टाइम के बाद में दोनों की एंगुलर स्पीड्स जो है वो सेम हो जाएंगी, एंगुलर वेलोसिटी में सेम नहीं कहूंगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अलग है भाई, इसके लिए अंदर की तरफ है इसके लिए बाहर की तरफ, तो एंगुलर स्पीड्स दोनों की क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी, दोनों की जो कॉमन एंगुलर स्पीड है या फिर मैं बोल सकता हूं कॉमन एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी का कॉमन मैग्नीट्यूड वो सेम हो जाएगा, क्लियर है क्या, उसके बाद फ्रिक्शन लगना काम करना बंद कर देगा, अब इनकी ओमेगा वो कॉन्स्टेंट बनी रहेंगी। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि वो टाइम कितना लगेगा जितने ये कॉमन एंगुलर स्पीड अचीव करेंगी, साथ में वो स्पीड कितनी होगी, क्लियर है क्या, तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे देखना जरा, तो भाई इसके लिए बात करें तो इसकी वैल्यू जो है इसके लिए तो रिटार्डेशन मिलेगा, फाइनली दोनों का ओमेगा सेम है तो इसके लिए लिखा जाएगा फाइनल ओमेगा इक्वल टू इनिशियल ओमेगा माइनस अल्फा टी, क्योंकि इसको तो रिटार्डेशन मिला, इसके लिए लिखा जाएगा ओमेगा फाइनल इक्वल टू
ओमेगा इनिशियल प्लस एल्फा टी, तो यहाँ से दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो, टू पाई टी की जगह यहाँ वैल्यू रख दो, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट बाई टू जो कि दे रखा 100 पाई, तो ये आ गया 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये तो आ गया इनका कॉमन एंगुलर स्पीड, क्लियर। टाइम की बात करते हैं तो यहाँ टाइम भी निकाल सकते हो, टाइम की वैल्यू आ गई यहाँ से 25 सेकेंड्स, तो 25 सेकेंड्स में दोनों सिलेंडर जो है वो कॉमन एंगुलर स्पीड्स अचीव कर लेंगे। टाइम लगेगा 25 सेकेंड, कॉमन हो जाएगी 50 पाई। ऑप्शन पढ़ते हैं हम जरा, तो बोला है टाइम आफ्टर विच दे अचीव इक्वल एंगुलर स्पीड इज 50 सेकेंड, नो 25 सेकेंड आया है, क्लियर। तो पहला तो रॉन्ग हो गया, एंगुलर स्पीड कॉमन इज 20 पाई, नहीं 50 पाई आई है हमारे पास, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट कितनी आई हुई है हमारे पास, हाँ 50 पाई आई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 and 4, तो थर्ड का आंसर आएगा हमारे पास 2 and 4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, हीट पे बेस्ड क्वेश्चन है। बोला है 4 आइडेंटिकल रॉड्स विच हैव थर्मली इंसुलेटेड लेटरल सर्फेसेज आर जॉइंड एट पॉइंट ए। आइडेंटिकल रॉड्स बोली हैं जिसके चार टर्मिनल्स हैं बी सी डी ई, और ए जो है हमारे पास सबका कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब देखना, तो अगर हमारे पास कोई रॉड है जिसको हमने थर्मली आइसोलेट कर दिया है, तो क्या होगा, जिस रेट से इधर हीट आएगी उस रेट से इधर हीट जा रही होगी। थर्मली आइसोलेटेड का मतलब है रेडिएशन की फॉर्म में है, लॉस नहीं हो रहा, तो जितनी आई उतनी गई, बेसिक मतलब ये है स्टडी स्टेट में हीट फ्लो हो रहा है, क्लियर। तो एक तो हम यहाँ किरचॉफ करंट लॉ लगा सकते हैं, जितनी पावर आएगी उतनी ही पावर जाएगी, क्लियर। साथ में सारी की सारी रॉड्स जो है वो आइडेंटिकल है, तो सबका थर्मल रेजिस्टेंस में सेम मान सकता हूं, तो पावर लिखी जा सकती है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। अब जिसकी पावर ज्यादा है उसके लिए डेल्टा टी भी ज्यादा होगा। अब इन रिलेशंस को काम में लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसने बोला क्या है, बोला है कि भाई इफ हीट फ्लोज इनटू द जंक्शन फ्रॉम पॉइंट बी एट रेट 1 वॉट, या इनटू द जंक्शन 1 वॉट से हीट आई है, एंड फ्रॉम पॉइंट सी एट 3 वॉट इनसाइड, यहां से 3 वॉट से आ रही है और यहां से 5 वॉट से जा रही है, क्लियर। तो साफ साफ कह सकते हैं आने वाली 4 है जाने वाली 5 है, मतलब डेफिनेटली इससे 1 वॉट आई होगी, क्लियर, ठीक है। अब टेम्परेचर पे कमेंट करवाई, तो पहला ऑप्शन ए और ई में कमेंट करवा रहा है, तो ए और ई में तो तुम डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, कैसे देखो, ए और ई में कैसे कमेंट करेंगे कि भाई हीट जो है ऑलवेज हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, तो यहां पर ई से ए की तरफ जा रही है, मतलब डेफिनेटली ई का टेम्परेचर ज्यादा होगा ए से, वही ये बोल रहा है तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है क्या। सेम तरह से तुम यहां भी देख सकते हो, तो देखो सी और डी में अगर मैं कंपेरिजन करूं, तो सी से तो हीट आ रही है और डी की तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली हीट डायरेक्शन में, हीट फ्लो की डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो डी का कम होगा सी का ज्यादा होगा, तो ये भी सही है। अब बी और सी की कंपेरिजन करते हैं, तो बी और सी में देखो दोनों का कॉमन पॉइंट है ए, और हीट रेट जो है वो सी ए में ज्यादा है, तो हमें पता है पी बराबर होता है डेल्टा टी बाई आर, आर सेम है, तो जिसका पी ज्यादा हो उसका डेल्टा टी भी ज्यादा, तो इसका पी ज्यादा तो इसका डेल्टा टी ज्यादा होगा, मतलब टी सी माइनस टी ए की वैल्यू ज्यादा होगी टी बी माइनस टी ए से, तो साफ साफ रिलेशन मिला टी सी इज ग्रेटर देन टी बी, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहां बोला है वी और ई, वी और ई में कंपेरिजन करना है, तो देखो ये वी हो गया और ये ई होगा, दोनों का पावर सेम है, तो डेल्टा टी भी सेम होगा, मतलब टी वी माइनस टी ए बराबर होगा टी ई माइनस टी ए के, तो यहां से रिलेशन आ गया हमारे पास टी वी बराबर टी ए, तो करेक्ट आंसर आएगा एमसीक्यू 4 का 1, 3 and 4, क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मॉडर्न फिजिक्स से लिया गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। बोला क्या गया है, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम पे कंपैरिजन की गई है, देखें जरा। तो देखना भाई कि भाई ये हाइड्रोजन का हो गया ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2, इनकी अगर मैं एनर्जी लिखूं तो टोटल एनर्जी यहां होती है -13.6, यहां होती है -3.4, डिफरेंस आता है हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। साथ में हमें रिलेशन पता है कि इलेक्ट्रॉन जब
न्यूक्लियस के चारों तरफ बोर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो एनर्जी में रिलेशन क्या आता है कि टोटल एनर्जी, क्लियर, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन अपोजिट होते हैं, क्लियर। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड से डबल होती है, क्लियर, मतलब इनकी वैल्यू पोटेंशियल की आधी होती है और साइन उसका भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्लियर है क्या। तो यहां से तुम साफ साफ वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो टोटल एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी तो मैग्नीट्यूड में सेम ही होगी, मतलब ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो देखो पी की वैल्यू है वो टोटल एनर्जी की डबल हो जाएगी, तो यहां पर माइनस 3.4 है तो यहां हो जाएगा हमारे पास माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिफरेंस हो जाएगा ये 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, ठीक है। अब देखो जरा, तो पहला बोला है कि जब 1 से 2 में गया इलेक्ट्रॉन तो क्या कमेंट होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्या, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखो पहले थी 13.6 अब हो गए 3.4, अरे भाई डिक्रीज हो गई है, तो कितनी डिक्रीज हो गई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिक्रीज हो गई है। अब 10.2 से डिक्रीज हो गई है मतलब फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, सेकंड करेक्ट है। पोटेंशियल एनर्जी पे कमेंट करते हैं, पहले माइनस 27.2 थी अब माइनस 6.8, माइनस में डिक्रीज हुई मतलब ओवरऑल इंक्रीज हुई वैल्यू, क्लियर है क्या। तो हम साफ साफ कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, कितनी डिफरेंस से, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज हुई है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, देखना तो nth ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है n h अपॉन 2π। अब देखो फर्स्ट में हो जाएगा h अपॉन 2π, सेकंड में हो जाएगा 2h अपॉन 2π, कितना इंक्रीज हुआ, एक चीज तो क्लियर है 1 से 2 तक चला गया, एच अपॉन 2π से 2h अपॉन 2π हुआ तो इंक्रीज तो हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है सबट्रैक्ट कर दो, एच अपॉन 2π इंक्रीज हुआ है। अब h की वैल्यू पता ही हमें 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, 2π की वैल्यू पता है 3.14, सॉल्व करो ये वैल्यू आ जाएगी 1.05 × 10⁻³⁴, तो हमारे पास फोर्थ भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 5 MCQ का आंसर होगा 2, 3 और 4, क्लियर है, उम्मीद है सबका सही होगा ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखना जरा ध्यान से, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बोला अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एट अ पॉइंट O बाई अ थ्रेड ऑफ लेंथ L मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो बेसिकली ये कॉनिकल पेंडुलम है, क्लियर, और इसमें इस पार्टिकल की, इस बॉब की O और C के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पे कमेंट करवाई है, तो समझना जरा कैसे कमेंट कर सकते हैं। देखो तो ये जो पार्टिकल है अगर इसमें इसका मैं टॉप व्यू देखूं तो क्या दिखाई देगा कि ये पार्टिकल ओमेगा नॉट से कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, क्लियर है क्या, ठीक है। किसी टाइम पे देखो तो इधर इसकी रफ्तार होगी एम बी, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी एम बी, बट पी की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही होगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, क्लियर। अब देखना एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं इस ओ पॉइंट के अबाउट, ये थीटा है, थीटा कॉन्स्टेंट, इसी थीटा के साथ ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है हमारे पास कॉनिकल पेंडुलम कर रहा है। तो देखो ओ के अबाउट निकालते हैं, तो इस पॉइंट पे मान लो ये बाहर आ रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम हो गया एम बी बाहर की तरफ, क्लियर। तो इसका लीनियर मोमेंटम देखते हैं आर क्रॉस पी से, तो इसके अबाउट आर क्रॉस पी इधर कहीं आएगा, तो इधर आ गया एंगुलर मोमेंटम कितना, ये आ गया इसका आर मतलब एल, और ये थीटा तो 90 है ही, तो आर क्रॉस पी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एल एम एम बी एल, क्लियर। तो ओ के अबाउट जो मोमेंटम आया है उसका एंगुलर मोमेंटम ये आ गया एम बी एल, क्लियर, ठीक है। अब देखना, अब इसके अगर मैं कंपोनेंट लूं, इसके अगर कंपोनेंट लिए, ये थीटा तो ये थीटा, ये 90, ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो इस एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट अगर लिए जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया एम वी एल कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया एम वी एल साइन थीटा। अब तुम ध्यान से देखो तो ना m चेंज हो रहा, ना v चेंज हो रहा, ना l चेंज हो रहा, ना थीटा चेंज हो रहा, मतलब एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड o के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होने वाला, फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही करेक्ट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट o इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है।
अब इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो mbl sin थीटा है। अब देखो जब पार्टिकल यहां आ रहा होगा, क्लियर, जैसे यहां देख लेते हैं, जब पार्टिकल यहां है तो वर्टिकल इधर, यहां है तो भी वर्टिकल इधर, यहां है तो भी वर्टिकल इधर, हर मोमेंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ ही है और उसकी वैल्यू है mbl sin थीटा। तो ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुई, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा भाई। तो बोला है वर्टिकल कंपोनेंट अबाउट ओ एज कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही बात है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं तो देखो इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है mbl cos थीटा, अभी इधर जब पार्टिकल घूम के आगे आएगा तो ये घूमता जाएगा, तो भले ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉन्स्टेंट नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एंगुलर मोमेंटम का वो कंजर्व नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंजर्व नहीं है तो नेट मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है। ओके अबाउट, क्लियर है क्या? तो हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट अबाउट ओ, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास, सॉरी एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट अबाउट सी, ओ के रेस्पेक्ट में रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है वो, ओ के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब सी के रेस्पेक्ट में और चेक करना है तो देखें जरा, सी के रेस्पेक्ट में देखो तो पार्टिकल यू घूम रहा है एम बी से, क्लियर, एम बी से ये हो गया रेडियस आर, तो आर क्रॉस पी की बात करो तो इधर आ गया, कितना आ गया एम बी आर, रेडियस है यहां पर आर एम बी आर, या यहां अगर तुम देखो तो यहां मान लो पार्टिकल बाहर आ रहा है तो यहां पी की वैल्यू हो गई एम बी, क्लियर, बाहर की तरफ रेडियस है उधर, तो आर क्रॉस पी ऊपर की तरफ आ गया तो एम बी आर आ गया। अब थोड़ी देर में पार्टिकल यहां से घूम के यहां आ जाएगा तो भी एम बी आर, हर मोमेंट पे एम बी आर ऊपर की तरफ। जब पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम सी के रेस्पेक्ट में हर मोमेंटम पे एम बी आर ऊपर की तरफ है तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहा, डायरेक्शन भी सेम रही, कंजर्व रहेगा सी के अबाउट। तो बोला एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट अबाउट सी, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 2, 3 एंड 4, क्लियर है, उम्मीद है सबका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा, अ स्मॉल पार्टिकल ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी वी इलास्टिकली कोलाइड विद अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ सेम मास है दोनों का एम एम एंड रेडियस आर, ठीक है, कैप्ट एट रेस्ट, ओके, द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी इज लोकेटेड एट डिस्टेंस रो और रो की वैल्यू लेस देन आर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, कमेंट करवाइए, ठीक है भाई, समझ में आ रहा क्या कहानी हो रही है कि ये है हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर, क्लियर, और यहां से एक पार्टिकल आ रहा है एम मास का वी रफ्तार से, ये सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस दे रखी है रो, क्लियर। अब थोड़ी देर में यहां पहुंच जाएगा कॉलिजन से ठीक पहले, इसकी इधर वेलोसिटी होगी वी, मैं मान लेता हूं ये कॉस एंगल थीटा है, ये रो है, ये रेडियस है आर। तो देखो कॉलिजन से जस्ट पहले देखना, कॉलिजन से जस्ट पहले इसकी रफ्तार इधर भी, अब देखो जैसे ही हिट करेंगे तो इस बॉडी पर लगेगा नॉर्मल इधर की तरफ, पार्टिकल पे नॉर्मल लगेगा इधर और स्फीयर पे नॉर्मल लगेगा इधर, ये होगी लाइन ऑफ इंपैक्ट, क्लियर। तो मैं जरा वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लेता हूं, देखो इस बी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट बिफोर कॉलिजन कितना आ गया वी कॉस थीटा इधर, और इधर आ गया वी साइन थीटा, बिफोर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी है जीरो, आफ्टर कॉलिजन अगर मैं बात करूं तो देखो इस पार्टिकल के लिए इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा तो इधर तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो वेलोसिटी वही रहेगी वी साइन थीटा। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग देखते हैं तो कॉलिजन हमें इलास्टिक बोला है, मास सेम बोला है, तो हमें साफ साफ पता है जब भी इलास्टिक कॉलिजन हो मास सेम हो तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, तो भाई इसकी वेलोसिटी जीरो थी तो यहां इसकी जीरो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इधर वी कॉस थीटा है तो इधर इसकी वेलोसिटी वी कॉस थीटा आ जाएगी, क्लियर है क्या? तो फाइनली एक चीज तो क्लियर हो गई कि पार्टिकल और स्फीयर जो है वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करने वाले, क्लियर, ठीक है भाई। अब इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, यहां से साइन कॉस साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी रो अपॉन आर, तो साइन थीटा आ गया रो अपॉन आर, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हो आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर का रूट बाई आर। तो देखो पार्टिकल की आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी क्या हो जाएगी v रो बाई आर, और स्फीयर की आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी हो जाएगी v अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर बाई आर।
रिजल्ट क्या निकला, कॉलिजन के बाद में दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करेंगे, इंडिविजुअल वेलोसिटी हमारे पास पार्टिकल की वी रो बाई आर और स्फीयर की वी रूट आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर बाई आर। ऑप्शन चेक करते हैं जरा, तो बोला है पार्टिकल स्टॉप्स एंड स्फेरिकल बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल रॉन्ग है यार ये तो, कि पार्टिकल कहां स्टॉप हुआ है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव किए हैं, तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो, आफ्टर कॉलिजन बोथ पार्टिकल एंड स्फेरिकल बॉडी मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है भाई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन इज दिस, बिल्कुल सही बात है, और स्फेरिकल की ये भी सही है, तो हमारे पास इसका भी करेक्ट आंसर आएगा 2, 3 and 4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। क्या बोला है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक हम 1 मोल मोनोटॉमिक गैस को लेके गए, अब प्रोसेस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो आइसोबारिक प्रोसेस हो गया और ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। इनिशियल टेम्परेचर यहाँ तीनों दे रखा है, तो बोला है वर्क डेल्टा ई और डेल्टा क्यू, तीनों चीजें फाइंड करवा ली है, कोई दिक्कत नहीं है, देखें जरा इजीली कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। ये देखो इसका प्रेशर वॉल्यूम तो सबका पता है, यहाँ का टेम्परेचर टी नॉट, ये आइसोबारिक मतलब वी प्रोपोर्शनल टी, वॉल्यूम डबल किया टेम्परेचर डबल हो जाएगा, ये आइसोकोरिक मतलब पी प्रोपोर्शनल टी, प्रेशर को डबल किया टेम्परेचर फिर से डबल हो जाएगा 14 नॉट। 1 मोल मोनोटॉमिक गैस मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के लिए बात की गई है, अब बोला है वर्क डन बाय द गैस, तो देखो अब यहां पर आंसर आर टी की फॉर्म में पूछा है, तो मैं इस इक्वेशन के लिए इस पॉइंट के लिए अगर केटीजी की इक्वेशन लगाऊं तो लिख सकता हूं प्रेशर पी नॉट वॉल्यूम वी नॉट मोल 1 आर टी नॉट, मतलब आपस में कन्वर्जन के लिए पी नॉट वी नॉट की जगह आर टी नॉट भी लिख सकता हूं। अब पहले मैं वर्क फाइंड करवाया, तो देखो आइसोबारिक में ये वर्क होगा, आइसोकोरिक का तो वर्क 0, तो ये एरिया आ गया पी नॉट वी नॉट, तो डब्ल्यू गैस आ गया हमारे पास P नॉट V नॉट, और P नॉट V नॉट की जगह लिख सकते हो R T नॉट, तो वर्क की वैल्यू तो आ गई R T नॉट। आगे क्या बोला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E की वैल्यू आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 nR डेल्टा T, डेल्टा T हो गया 3 T नॉट, तो ये वैल्यू आ गई 9/2 R T नॉट, तो ये भी सही बात है। आगे बोला हीट की वैल्यू, तो हमें पता है हीट की वैल्यू होती है डेल्टा Q बराबर डेल्टा T प्लस वर्क डन बाई गैस, तो ये आ गया 11/2 R T नॉट, तो ये भी करेक्ट है, अब ये रॉन्ग हो जाएगा, पता कैसे चलेगा ऑब्जर्व हुआ हीट, तो देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव मतलब हीट ऑब्जर्व हुई है, तो करेक्ट आंसर इसका 1, 2 and 3। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं जरा, तो देखो ये हमारे सेक्शन बी के 8 more than 1 करेक्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की तरफ, जहां पर हमारे पास 5 questions हैं इंटीजर बेस्ड। क्लियर, देखें जरा, तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम एज सोन इन द फिगर, पुलीज आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर ऑल्सो मासलेस, के की वैल्यू दे रखी है, मास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, देखना जरा कैसे निकालेंगे। तो देखो यार कॉन्स्टेंट फोर्स जो होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी में रोल नहीं आता है, बेसिकली वेरिएबल फोर्स है जो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, उसकी वजह से यहां पर क्या आएगा हमारे पास ऑसिलेशन करेगा पार्टिकल। तो डायरेक्ट मैं रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर लेता हूं, कि मान लो इसको मैंने एक्स नीचे शिफ्ट कर दिया, यहां मैं मान लेता हूं टेंशन टी, तो यहां भी टी हो जाएगा, यहां हो जाएगा T/2 T/2, तो यहां हो जाएगा T/4 T/4, मतलब इस स्प्रिंग के इस पॉइंट पर जो फोर्स टेंशन का जो फोर्स है वो लग जाएगा T/4। क्लियर, अब देखना ये x नीचे आया, मान लेता हूं ये पॉइंट जो है वो नीचे आया x1, तो हमें पता है आइडियल स्ट्रिंग है हमारे पास, आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन का वर्क जो है पूरे सिस्टम के लिए हम क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। तो देखो जरा, तो इस पर टेंशन का वर्क कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -Tx, इसको खींचने वाला जो है हमारे पास नीचे की तरफ वो टेंशन ही है, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्लस का T/4 x, और ये हो जाएगा 0 x1, इस पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट x1 माना, तो रिलेशन क्या आया, रिलेशन आ गया x1 = 4x, ये बेसिक टेंशन मेथड है, आपने पढ़ा होगा NLM में, इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। तो रिलेशन क्या आया, रिलेशन ये आया कि अगर इसको x शिफ्ट करोगे ना नीचे,
तो इस स्प्रिंग में ये पॉइंट x 4x जाएगा नीचे, मतलब स्प्रिंग में एक्सपेंशन आएगा 4x का। क्लियर? अब काम हो गया बस अपना। देखो कि इसको x नीचे खींचा तो स्प्रिंग में आया एक्सपेंशन 4x का, तो यहां फोर्स लगेगा ऊपर 4kx, यहां पर भी 4kx, यहां लगेगा 8kx, तो यहां पर भी 8kx क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, 8kx, यहां लगेगा 16kx। तो x नीचे इसको पुश कराने पर इस पर रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 16kx। तो हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड की वैल्यू 2π अंडर रूट m बाई k इफेक्टिव 16k, और वैल्यू रख दो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, t की वैल्यू 2π अंडर रूट मास है 4, k की वैल्यू हमें दे रखी है पाई स्क्वायर, तो देखो पाई से पाई गया, 4 से ये जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स इसका रूट 2, टाइम पीरियड आ गया 1 सेकेंड। और टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी 1 हर्ट्ज, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेशन की वो 1 हर्ट्ज होगी, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 हीट का क्वेश्चन है, बोला है वॉटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर, कि ये कंटेनर जिसमें वाटर भरा हुआ है 2 लीटर, 2 लीटर मतलब 2000 ml, या बोल दो 200 ग्राम। ओपन वेसल है, इसको अपन हीटर से हीट दे रहे हैं जिसकी पावर है 1 kW, मतलब 1000 वाट। अब इससे जो हीट दी जा रही है ना, वो एक तो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, साथ में ओपन होने की वजह से एक कॉन्स्टेंट रेट से इससे लॉस भी हो रहा है। क्लियर? तो बोला कितने टाइम में इसका टेम्परेचर जो है हीटर वो 27 से 77, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, हम बोल सकते हैं हीटर ने जो हीट दी है वो कहाँ कहाँ खर्च हुई है, वो एक तो वाटर का टेम्परेचर राइज कराने में खर्च हुई है और सराउंडिंग में लॉस हुआ है। तो टी टाइम में मैं मान लेता हूँ टेम्परेचर 50 बढ़ गया, तो टी निकालना है, तो हीटर कितनी हीट देगा, हीटर हीट देगा 100 × t जूल। क्लियर? लॉस कितनी हुई है, लॉस हो रही है हमारे पास 160 वॉट से, तो 160 × t इतनी लॉस हुई। वाटर में कितनी खर्च हुई, तो वाटर में खर्च हुई m s delta t, ये कैलोरी में आ गया, × 4.2, ये आ गया हमारे पास जूल में। अब यहां से तुम इजीली क्या कर सकते हो, इजीली तुम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो टाइम की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 840 t इक्वल टू, ये जीरो गया तो आ गया 5 × 1000, 10000 × 42, तो ये वैल्यू आ गई 840 t इक्वल टू 1000 × 420, तो इससे गया ये 1/2 टाइम, टाइम की वैल्यू आ गई 500 सेकेंड्स। अब ऑप्शन जो बोला है उसने बोला है n × 100 में बताना है, तो n की वैल्यू सब सब दिखाई दे रही है, 5 है हमारे पास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, बोला है सर्किट जो है मैं गिवन है हमारे पास, इसमें 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में से अगर I1 करंट जा रहा है, 30 ओम वाले में से I2 करंट जा रहा है, तो I1 I2 का रेशियो पूछा है, इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है। क्लियर? देखने में लग रहा है सर्किट थोड़ा सा बड़ा सा है, गड़बड़ करेगा सर, लेकिन है बहुत इजी, देखना जरा करते हैं क्वेश्चन को। तो मैं एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं ये पोटेंशियल है 0, तो ये हो गया 5, ये भी 5, ये भी 5, यहां से इंक्रीज हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 12, ये 0, ये 0, ये -5 और 10 डिक्रीज होगा तो -15, ये 0, ये -3। तो इसमें से जाने वाला जो करंट है I1, I1 की वैल्यू हो गई पोटेंशियल डिफरेंस 15/रेजिस्टेंस 2 एम्पियर। I2 की बात करते हैं, तो 30 वाले में से जो करंट जाएगा I2, इसकी वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस 25/रेजिस्टेंस 30, इतना एम्पियर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5/6 एम्पियर। अब रेशो निकालना है, तो I1/I2 कितना आ जाएगा, 15/2 / 5/6, तो इससे गया ये 3 टाइम्स, इससे गया ये 3 टाइम्स, ये आ गया 9, तो रेशियो जो है वो आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी V0 1+YYD, ये बेसिकली y है, यहां दिख रहा है हमें YYD - KK इज प्रेजेंट इन अ रीजन ऑफ स्पेस इन बिटवीन 0 to D, द लाइंस आर शोन इन द फिगर 3 के, भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रखी है, पार्टिकल ऑफ मास m
पॉइंट ऑफ चार्ज q इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट एंड इनिशियल वेलोसिटी v नॉट i कैप, ठीक है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज vx v नॉट माइनस kq vd / 2m व्हेन इट लीव्स द फील्ड, ठीक है, समझ में जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास रीजन है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस रीजन में है, क्लियर, और वैल्यू जो है उसकी y के साथ चेंज हो रही है, वैल्यू है v नॉट 1 प्लस y अपॉन d, क्लियर, अंदर की तरफ। यहां से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल q मास m इधर v नॉट से इंटर किया, तो क्या होगा, v क्रॉस v मैग्नेटिक फील्ड लगता जाएगा, जिसकी वजह से यूं घूमता जाएगा ये, अब हर जगह b वेरिएबल है तो हर जगह जो रेडियस जो है उसके सर्कल की वो डिफरेंट होती जाएगी, क्लियर भाई। तो आपसे पूछा है कि जब ये यहां से निकल जाएगा ना, तो ये जो vx है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है v नॉट माइनस k, खैर अभी देख लेंगे आ जाएगा एक्सप्रेशन अपने आप, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ ये कोफिशियंट जो k बन रहा था बेसिकली ये हमें फाइंड करना था, ये कुछ बनेगा हमारे पास q bd by 2m, ये k पूछा है हमसे, q v नॉट d by 2m, ये k पूछा है k की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है भाई, तो देखते हैं जरा। तो मैं मान लेता हूं किसी टाइम पे ये पार्टिकल यहां पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी इधर v नॉट ही होगी, अब सोचोगे सर v नॉट ही कैसे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वर्क नहीं करेगा मूविंग चार्ज पर, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकता, हाँ घुमा सकता है, वेलोसिटी चेंज कर सकता है घुमा के डायरेक्शन को, बट स्पीड चेंज नहीं कर पाएगा। तो मैं मान लो यहां पहुंच गया, इस टाइम पे इसका एक्स एक्सिस से एंगल है थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स हो गया वी नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई एक रैंडम इंस्टेंट पे कितना हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा, बट मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो वी नॉट ही आएगा, क्लियर, ठीक है भाई, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं तो पार्टिकल जो है वो इधर कहीं जा रहा है, तो इसके पाथ का स्लोप क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आप साफ साफ लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। साथ में फोर्स की बात करते हैं, तो वेलोसिटी इधर वी क्रॉस वी से फोर्स लग रहा होगा इधर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू वी क्रॉस बी। अब देखो मुझे केवल एक्स में वेलोसिटी पूछी गई है, तो केवल एक्स वाले फोर्स पे बात कर लेता हूं मैं, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो इधर वाला फोर्स, एक्स वाला फोर्स जो है वो आ गया हमारे पास माइनस आई कैप में क्यू वी नॉट वी साइन थीटा। अब देखो एक्स में वेलोसिटी आगे, ये फोर्स इसको रिटार्डेशन दे रहा है, क्लियर है क्या, तो ये वेलोसिटी को क्या करेगा एक्स में रिड्यूस कराएगा, स्पीड चेंज नहीं होगी वही रहेगी, बट एक्स में वेलोसिटी रिड्यूस हो गई है, क्लियर है क्या। तो हम लिख सकते हैं एक्स में फोर्स इतना है, तो एक्स में एक्सीलरेशन आ गया हमारे पास ये ax by m, क्लियर है क्या। तो b की भी वैल्यू रख देते हैं हम, b की वैल्यू क्या है हमारे पास v नॉट 1 प्लस y अपॉन d, साथ में साइन थीटा बची रहा है। अब हमें निकालना है vx, कब, जब y की वैल्यू d हो जाए, तो लगाते रिलेशन, ax को हम लिख सकते हैं, इसको मैं जरा इरेज कर दूं, ax की जगह हम लिख सकते हैं vx dvx by dx, अरे a को लिखते हैं bdv by dx, तो x कंपोनेंट में सब कुछ x वाला आ गया, इक्वल टू माइनस q v नॉट by m 1 प्लस y अपॉन d, ये साइन थीटा, ये रिलेशन है ये हमारे पास, साइन थीटा। अब देखना bx की वैल्यू कितनी है, v नॉट cos थीटा, v नॉट से v नॉट गया, रिलेशन क्या मिल गया हमें, ये रिलेशन मिल रहा है हमारे पास, देखो रिलेशन क्या मिल जाएगा, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, रिलेशन हमारे पास क्या आया वी एक्स डी वी एक्स वाई डी एक्स की वैल्यू आई हमारे पास क्यू वी नॉट वन प्लस वाई अपॉन डी m साइन थीटा। अब देखो वी एक्स की वैल्यू कितनी थी, वी एक्स की वैल्यू थी हमारे पास, वी एक्स की वैल्यू थी वी नॉट, ये थीटा था इधर वी नॉट कॉस थीटा, और टेन थीटा को हमने लिखा था डी वाई बाई डी एक्स, और फाइनली हमें y की वैल्यू करनी है d और vx कैलकुलेट करना, क्लियर।
तो देखो Vx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Vx की जगह हम लिख सकते हैं V नॉट cos थीटा, तो V नॉट से तो V नॉट गया, तो dVx upon dx की वैल्यू, अब कैलकुलेशन है बस ये, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट चली, तो dVx by dx की वैल्यू आ गई Q V नॉट by m 1 plus y upon d sin cos कौन बन जाएगा tan थीटा, और tan थीटा की जगह लिख सकते हैं dy by dx, dx से dx गया, तो यहां से dVx equal to आ गया Q V नॉट by m 1 plus y upon d का इंटीग्रेशन dy के साथ, लिमिट पुट करते हैं, जब y की वैल्यू 0 है तो पार्टिकल की x में वेलोसिटी v नॉट है, जब y की वैल्यू d हो जाएगी तो vx पूछा है, तो यहां से इजीली अपना आंसर आ जाएगा, यह आ गया हमारे पास vx minus v नॉट इक्वल टू q v नॉट by m, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बन जाएगा d, ये बन जाएगा dy 2, तो रिलेशन आ गया हमारे पास vx इक्वल टू v नॉट, यहां माइनस चल रहा था ना, हाँ रिटार्डेशन था, माइनस चल रहा था, तो ये आ जाएगा v नॉट माइनस q v नॉट by m 3dy 2, और हमसे जो पूछा है क्या दे रखा है, इस 3 की जगह k दे रखा है, तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी यहां पर, क्लियर, आगे बढ़ते हैं जरा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये रिलेशन दे रखा है, k की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3, तो लास्ट क्वेश्चन देखें जरा पेपर का, ठीक है, पेपर में हमसे बात की है कि इनिशियली द कैपेसिटर इन एन एलसी सर्किट इज चार्ज्ड, अ स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0 अलाउइंग द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज एंड एट टाइम t द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू फर्स्ट टाइम, पहली बार इनिशियल वैल्यू की 1/4 करानी है, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर की टर्म दे रखी है और k की वैल्यू पूछी है, देखना जरा कि भाई ये एक कैपेसिटर है, इनिशियली इस पे कंप्लीटली चार्ज है q नॉट से, ये इंडक्टर, क्लियर, अब स्विच को क्लोज किया गया तो इसमें चार्ज फ्लो होगा, तो बेसिकली हमें पता है एलसी सर्किट में चार्ज जो है वो ऑसिलेशन करता है, तो अपन डायरेक्ट रिजल्ट भी काम में ले सकते हैं, बट डेरिवेशन देखते हैं जरा इसका, कि मैं मान लेता हूं किसी टाइम t पर इसका चार्ज q नॉट से घट के q हो गया और सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, ये इंडक्टर, इंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी, कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा क्यू बाई सी, तो केवीएल लगाते हैं इस पे तो हम बोल सकते हैं क्यू बाई सी की वैल्यू आ गई हमारे पास एल डी आई बाई डी टी, क्लियर, अब देखो आई, आई को हम इस क्यू के वेरिएशन के साथ भी लिख सकते हैं, आई की वैल्यू होती है हमारे पास डी क्यू बाई डी टी द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, अब देखो जिस रेट से ये Q वेरी करेगा उस रेट से I फ्लो हो रहा होगा, बट ये Q तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब dQ by dt की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ I की वैल्यू अगर मैं देखूं तो जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज होगा तो यहाँ तो चार्ज जीरो हो जाएगा बट यहाँ करंट इंक्रीज होता जाएगा, क्लियर है क्या, करंट इंक्रीज होता जाएगा, करंट की वैल्यू इंक्रीजिंग है, dI by dt पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर है क्या, अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर दो, माइनस लगा दो, क्योंकि dQ by dt ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहां से क्लियर dI by dt की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा माइनस क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज डिक्रीजिंग है और करंट इंक्रीजिंग है, तो इसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो देखो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्यू बाई सी इक्वल टू एल माइनस का डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, तो रिलेशन आ गया हमारे पास डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इक्वल टू जीरो, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो एक एस एच एम की इक्वेशन आई थी डिफरेंशियल इक्वेशन d2 x by dt square plus omega square x equal to 0, बिल्कुल सेम इक्वेशन है यहाँ चार्ज की, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि चार्ज जो है सर्किट में ऑसिलेशन कर रहा है, तो जिसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, q equal to q नॉट मैक्सिमम चार्ज sin omega हो गया, यहाँ पर देखो omega square तो 1 by root lc तो हो गया omega square, तो omega की वैल्यू 1 by root lc t plus phi, ये है हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन, अब एग्जैक्ट इक्वेशन निकालते हैं phi की वैल्यू कैलकुलेट करके, तो हमसे बोला है क्वेश्चन में कि t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज है, मतलब t इक्वल टू 0 पे q की वैल्यू q नॉट, तो q की वैल्यू q नॉट साइन t by root lc, ये तो सॉरी tan तो 0 बोला है, ये तो हो गया phi, तो sin phi की वैल्यू 1 तभी आएगी जब phi की वैल्यू pi by 2 रही होगी, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं pi by 2, तो सीधा सीधा सा इस सर्किट के लिए चार्ज का फंक्शन मिल गया q नॉट साइन की जगह ये हो जाएगा sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो cos t बाई
रूट एल सी, ये आ जाएगा हमारे पास किसी टाइम टी पर चार्ज का फंक्शन। तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि एल सी सर्किट में एनर्जी लॉस होता नहीं है, चार्ज ऑसिलेशन करता रहता है। क्लियर? अब देखो टी इक्वल टू जीरो पे पूरा का पूरा चार्ज है तो टोटल एनर्जी हो जाएगी क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी। अब बोल रहा है वो टाइम बताना है टी जब जो एनर्जी है ना कैपेसिटर की वो इनिशियल की 1/4 हो जाए। तो किसी भी टाइम टी पर एनर्जी हमें पता ही है, क्या लिख सकते हो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। इनिशियल एनर्जी हमें पता ही है कितनी है, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी। इजिली टाइम आ जाएगा तुम्हारा, इजिली टाइम टी की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखो क्यू की वैल्यू रखते हैं, क्यू की वैल्यू यहां रखोगे तो आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी बाई रूट एल सी बाई टू सी इक्वल टू 1/4 क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। इससे तो ये गया तो कॉस स्क्वायर 1/√LC टी बाई रूट एल सी की वैल्यू आ गई 1/4 तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। क्लियर? अब कॉस की वैल्यू 1/2 पहली बार लानी है तो 60 डिग्री पर आएगी, मतलब टी बाई रूट एल सी की वैल्यू पाई बाई 3 रही होगी हमारे पास। क्लियर है क्या? पाई बाई 3। तो यहां से अगर मैं देखूं तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू आ गई 9 टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर सी। अब क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला है, तुम्हें क्या बोला है कि ये जो है के टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर सी है, तो कॉन्स्टेंट के जो है वो हमारे पास 9 हो जाएगा। देख लो जरा क्या बोला है, के टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर सी, तो के की वैल्यू साफ साफ पता है 9 हो जाएगी। तो ये हमारा पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छा गया होगा। तो इसी तरह से सभी लोग मेहनत करते रहें, आगे वाले पेपरों की तैयारी करें। सभी को गुड लक, थैंक यू।